हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राज पुष्पा। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग अपना बताइए कैसे हैं। आज हम बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, वो क्यों हैप्पी है वो नहीं बताऊँगी बट और देखिए इसमें आप लोग दिख रहे हैं कि नहीं, आप लोग छोटे शीशा से मुंह देखते हैं क्या? पता है मेरे से होता ही नहीं इसमें देखने में, मतलब इसमें फेस कुछ ज़्यादा पास से दिखता है। आप लोग को बताऊँ, कल मेरी बाबू को ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गया था, जिसकी वजह से वो शाम को डॉक्टर के यहाँ गई थी। पता नहीं उसको सर्दी क्यों हो गया था, पता है कैसे सर्दी हो गया होगा इसको? मैं ना ये है ना, ये पापा ला करके रखें इसको ना, मैं ना हाथ पे रख करके चाट लेती हूँ, ये ठंडा पर होता है ना, जिसकी वजह से वो मतलब शायद उसको ख़राब ही कर गया होगा, उसको सर्दी इसी की वजह से हो गया है। देखिए हमारे इधर इतनी हवाएं चल रही है कि गिर गया हैंकी। और कोई लोग मतलब हमें बोले थे कि एक बार कमेंट आया था कि पूरा घर का वीडियो बना करके दिखाने के लिए वीडियो में, तो देखिए मेरा घर कल वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें पूरा होम टूर कराऊंगी, ठीक है? अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं ये दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा टाटी नहीं लगा है, क्योंकि नहीं था जिसकी वजह से नहीं लगा, यहाँ पे ईंटा ऐसे ही चौका गया है। और ये मेरे पीछे जो है ना छोटा सा घर, ये ना भगवान जी का घर है। हमारे यहाँ जो भगवान होते हैं ना, आप लोग को दिखा देती हूँ भगवान जी का घर कम से कम। और एक चीज़ दिखा देती हूँ, मैं एक बार और वीडियो बनाई थी तो ये देखिए मेरी शादी के घड़े, और ये देखिए जो फ्लावर है ना, ये दिख रहे हैं गेंदा का फ्लावर है, ये मेरी शादी का ही मड़वा में लगा हुआ था, वही ये सूख गया लेकिन इसको मैं टांग करके रखी हूँ। और ये देखिए हम गरीब का छोटा सा भगवान जी का मंदिर, ये मतलब टाटी का है, बनेगा छत वाला उतने पैसे नहीं थे जिसकी वजह से नहीं बना था, दो ही घर बन के रह गया, बाकी बात ये देखिए। वैसे तो पता है भगवान जी को कैमरे में नहीं दिखाना चाहिए बट मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए मेरा पूजा यहीं पे होता है, ये देखिए, और वो मेरे घर के भगवान हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ ऐसे मतलब पूजा वाला घर एक अलग है कि नहीं? और इसका देखिए गेट कितना छोटा सा है, इसमें ना मतलब सीधी नहीं घुस पाते, देखिए मेरा सर ठेक गया ना इसमें, मतलब अटक जाता है, छोटा सा गेट है और इसमें जगह भी नहीं है। देखिए दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे तो हनुमान जी की मूर्ति टंगी है, यहाँ पे देखिए छोटा सा जगह है यहाँ पे, बस बड़ा घर नहीं, बड़ा घर बनेगा, अब कब बनेगा ये मुझे नहीं पता लेकिन बनेगा। तो मेरा ये मंदिर वाला घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पूरा घर मैं कल दिखाऊंगी, आज क्योंकि बहुत सारे काम है ना जिसकी वजह से आज बिजी चल रहे हैं, मतलब सब लोग बिजी हैं तो मतलब नहीं दिखाऊंगी, कहेंगे ये वीडियो में बनाने वाले कि हम लोग बिजी हैं इसकी वजह से। और मैं आप लोग से बता दूं, कितने लोग पूछते हैं आप, मतलब कितने लोग को लगता है कि मैं ससुराल में, मैं ससुराल में नहीं हूँ, मैं मायके में हूँ। और आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए मेरे यहाँ एक ही जामुन का रूखा सूखा पेड़ है, उसमें भी जामुन नहीं फला है, और फलता था बट इस बार नहीं फला है। देखिए मेरे बाबू का फ्रॉक पसारा हुआ है। आप लोग को बताऊँ, मैं लाइव आई थी तो आप लोग बोल रहे थे ना कि कूलर लगवा लेने के लिए घर में। देखिए मेरे यहाँ देसी हवाएं खूब चलती है जिसकी वजह से हम लोग को कूलर की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं। देखिए अभी धूप भी ख़त्म हो गई तो ऐसे मौसम में कौन लगाएगा कूलर, और गांव में उतना कूलर वगैरह नहीं चलता है, हमारे यहाँ कूलर नहीं लगा हुआ है। और आप लोग को मैं बताऊँ, मुझे ना गांव में रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे शहर नहीं पसंद है, मुझे गांव पसंद है, गांव का कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। और हमारा जैसे जगह पे घर है ना वैसे किसी के भी मतलब आप लोग जितना भी हम लोग मेरा वीडियो देखते होंगे ना, आप लोग में से किसी का भी ऐसे जगह पे घर नहीं होगा, मतलब मेरी फ्रेंड देख रही होगी तो उसका है, उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। देखिए कितने सारे बांस का पेड़ है, आगे
पीछे बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए मेरा शरीफा का पेड़। आप लोग शरीफा खाए हैं क्या? अगर खाए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शरीफा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सीताफल शायद वो अलग आता है ना। ठीक है, आज का ब्लॉग बस इतनी अलग ही हो। यहाँ पे से बांस कटा है जिसकी वजह से पूरा खाली खाली हो गया। ये रही मैं। आप लोग को ऐसी जगह पसंद है कि नहीं? मेरा जहाँ पे घर है ऐसा जगह आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, और चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, बाय बाय सभी लोग को।